स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे चिल वाटर पाइपिंग के बारे में। चिल वाटर पाइपिंग जो HVAC में कितने तरह का होता है और ये इसका स्कीमेटिक के बारे में हम बात करेंगे और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो चिल वाटर पाइपिंग होता है HVAC में वो चार तरीके का होता है। चार तरीके से हम पाइपिंग करते हैं, सिस्टम होता है हमारा। उन चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इन चारों पाइपिंग सिस्टम में हो रहा है और ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला जो पाइपिंग है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी चिल वाटर सिस्टम। दूसरा है प्राइमरी सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम। तीसरा जो होता है चिल वाटर सिस्टम में होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पंप चिल वाटर सिस्टम। और जो चौथा बिल्कुल लेटेस्ट है, जो अभी HVAC में बिल्कुल लेटेस्ट आया है, वो है वेरिएबल प्राइमरी फ्लो चिल वाटर सिस्टम। तो इन चारों पाइपिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे और ये चारों एक दूसरे से कैसे अलग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और इस वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चिल वाटर पाइपिंग के बारे में। और अगर आप एग्जीक्यूशन में हैं, एग्जीक्यूशन इंजीनियर हैं, तो आपको इंस्टॉलेशन में काफ़ी इससे मदद मिलेगी, या अगर आप ऑपरेशन में हैं तो आपको ट्रबल शूटिंग करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी चिल वाटर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसको कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी चिल वाटर सिस्टम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक पंप होता है जो प्राइमरी पंप होता है और इस पूरे चिल वाटर सर्किट में कांस्टेंट वॉल्यूम सर्कुलेट हो रहा होता है। अगर इस पूरे चिल वाटर सर्किट में 1200 GPM सर्कुलेट होना है तो 1200 GPM ही सर्कुलेट होगा। किसी भी टाइम पूरे दिन में अगर 24 घंटा चिल्लर चल रहा है तो किसी भी टाइम ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब 1000 GPM आएगा या 800 GPM आएगा, वो फिक्स्ड है तो फिक्स सर्कुलेट होता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमारा चिलर प्लांट आप देख रहे हैं। चिलर प्लांट में क्या होता है, प्राइमरी पंप होता है, पंप कनेक्ट होता है चिलर के एवोपरेटर से और एवोपरेटर के बाद आउटलेट होता है। फिर यहाँ से प्लांट रूम से पाइप निकलता है, सप्लाई पाइप जाता है बिल्डिंग में, बिल्डिंग में जहाँ पे AHU लगे हुए होते हैं, AHU के कूलिंग कॉइल से पाइप कनेक्ट होता है, उसके आउटलेट से कनेक्ट होकर फिर वो आ जाता है वापस रिटर्न, जो चिल वाटर रिटर्न पाइप होता है प्लांट रूम में। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, जो चिल वाटर कांस्टेंट फ्लो सर्किट होता है इसमें जो सबसे अलग चीज़ आपको मिलेगी बाकी तीन सिस्टम से, वो इसमें मिलेगा आपको थ्री वे वाल्व। थ्री वे वाल्व जो होता है ये क्या करता है, पानी को कुछ अमाउंट ऑफ पानी को बाईपास करता है। अगर सपोज कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये कांस्टेंट फ्लो है, कांस्टेंट फ्लो में अगर यहाँ पे 200 GPM आना है, 200 GPM यहाँ पे आना है, 200 GPM इस HU में आना है, तो ये 200 GPM पूरे 24 घंटा आता रहेगा। बट अगर बिल्डिंग में लोड कम हो गया है, कूलिंग वहाँ पे अचीव हो गई है, तो ये क्या करेगा, 100 GPM यहाँ आएगा HU में आएगा और 100 GPM जो है वो HU में ना जाकर वो अलग से बाईपास हो जाएगा ताकि कूलिंग वहाँ पे ज़्यादा ना हो और उसके बाद वो चिलर में चला जाएगा। तो ये थ्री वे वाल्व का काम है। तो ये आपको स्कीमेटिक दिख गई होगी कांस्टेंट फ्लो चिल वाटर प्राइमरी पंप प्राइमरी सर्किट की। तो आगे इसके बढ़ने में इसके ऑपरेशन कैसा, इसका ऑपरेशन होता है, वर्किंग कैसे होती है, इसको देखने से पहले मैं एक बार आपको थ्री वे वाल्व के बारे में समझा दूँ। थ्री वे वाल्व क्या होता है, आप ये देख रहे हैं थ्री वे वाल्व HU में कनेक्ट है। थ्री वे वाल्व में होता क्या है, आप ये देखें कुछ इस तरह का होता है। इसमें एक एक्चुएटर लगा होता है और इसमें एक इनलेट होता है और दो आउटलेट होता है, मतलब दो तरफ से पानी आ सकता है और एक तरफ से निकल सकता है। तो सेम वैसा ही इस पाइप, एक पाइप यहाँ कनेक्ट होगा, एक पाइप यहाँ कनेक्ट होगा और एक पाइप यहाँ कनेक्ट होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका थ्री वे वाल्व है, ये आपका रिटर्न है, ये HU कॉयल से आ रहा है और ये सप्लाई से एक पाइप आ रहा है। होता क्या है कि अगर बिल्डिंग में, जैसे अभी हमने HU को चलाया है, उस टाइम पे टेम्परेचर रूम का 28-26 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस टाइम पे रूम को ठंडा करना होता है, तो 100 GPM अगर जा रहा है यहाँ, तो 100 GPM पूरा GPM कूलिंग कॉइल से होता हुआ जाएगा और थ्री वे वाल्व से निकल जाएगा। तो ये हुआ आपकी 100% लोड पे। अब क्या होता है, चिलर हमारा 2 घंटा चल जाता है, HU 2 घंटा चल जाता है, रूम में कूलिंग हो जाती है,
उस केस में क्या होगा, पानी 100 जीपीएम चलेगा, अब क्या है पूरा पानी एएचयू के थ्रू सर्कुलेट नहीं होगा, वो यहाँ से 50 जीपीएम बाईपास हो जाएगा, वो एएचयू में जाएगा ही नहीं, जिससे कूलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा और 50 जीपीएम एएचयू में जाएगा, जिससे वहाँ पे रूम में जो है आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन मिलेगा, ज़्यादा आपको कूलिंग नहीं मिलेगी। अगर ऐसा ना हो तो रूम में ज़्यादा कूलिंग हो जाएगी, शेवरेज होने लगेगी, जो लॉस ऑफ एनर्जी है ये बिल्कुल लॉस ऑफ एनर्जी बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि ये अल्टीमेटली बाद में कॉस्ट इसकी आती है, ऑपरेशन कॉस्ट में ये ऐड होता है। तो अब हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब आपको मैंने एक बिल्कुल बिल्डिंग का जो प्लान दिखाया है कि बिल्डिंग में 6 एचयू लगे हुए हैं और 3 चिलर हैं, इस बिल्डिंग में टोटल जो 6 एचयू हैं, हर एक एचयू का 100 टीआर है, मतलब 600 टीआर इस बिल्डिंग का लोड है, और एक एचयू को 200 जीपीएम जाना है, मतलब 1200 जीपीएम पूरे बिल्डिंग में जाना है। तो 1200 जीपीएम के लिए हमने क्या किया है, हमने 3 चिलर लगाया है, एक चिलर 200 टीआर का है, मतलब यहाँ पे 600 टीआर की पूरी कैपेसिटी है प्लांट की, और एक पंप 400 जीपीएम का है, मतलब तीनों पंप 1200 जीपीएम डिलीवर करेगा। अब क्या होगा, बिल्डिंग जो होती है वो 100% लोड पे डिज़ाइन होती है और पार्ट लोड पे डिज़ाइन होती है। तो पहले हम 100% लोड पे बात करेंगे। ये जो सिस्टम है चिल्ड वाटर कॉन्स्टेंट प्राइमड सिस्टम है, ये 100% लोड पे काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें ये काफ़ी इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट तो कम होता ही है और ऑपरेशनल कॉस्ट उस टाइम पे कम आता है। तो अब 100% लोड में होता क्या है, मैं आपको बता दूं। ये चिलर है, चिलर से यहाँ से पानी निकलता है 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, क्योंकि चिलर हमारा डिज़ाइन है 44 और 56 पे, मतलब 56 डिग्री इसको फ़ारेनहाइट रिटर्न मिलेगा, तो ये 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी को आउट करेगा, ये इसका सेट पॉइंट होता है। अब 1200 जीपीएम यहाँ से जाएगा, 1200 जीपीएम जाने के बाद पूरे एएचयू से 1200 जीपीएम घूमकर रिटर्न में आ जाएगा। ये तो 100% लोड की बात हुई। अब मैं पार्शियल लोड की बात करूँ। पार्शियल लोड में क्या होगा कि ये हमारा अगर रूम सपोज करो बिल्डिंग में टेम्परेचर अचीव हो गया है, इस केस में क्या होगा, एक चिलर बंद हो जाएगा और 2 चिलर चलता रहेगा। तो जब ये एक चिलर बंद हो जाएगा तो एक पंप को भी बंद होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। अगर एक इस पंप को हम बंद कर देंगे तो पूरे बिल्डिंग में 800 जीपीएम ही पानी जाएगा, जिससे प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी, उसके अनइवन कूलिंग होगी। तो इसका मतलब हमें इस पंप को एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा, जिसकी पंपिंग कॉस्ट जो है 24 घंटे की जो अननेसेसरी आएगी। तो इसलिए ये सिस्टम जो है ऑपरेशनली इकोनॉमिकल नहीं है, इसलिए इस सिस्टम में ऑपरेशनली कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जब चिलर पार्ट लोड पर होता है तो पार्ट लोड पर चिलर आप 24 घंटे में एक घंटा ऐसा होता है, दो घंटा ऐसा होता है कि चिलर जो होता है 100% लोड पर चलता है, बाकी वो 20 से 22 घंटा जो है वो 70% 50% पर चलता है। उस समय पर चिलर जो है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो एक तरह से ये भी एक ऑपरेशनल कॉस्ट में ऐड होता है। और एक चीज़ इसमें बिल्कुल आती है, जो लो डेल्टा टी सिंड्रोम होता है। लो डेल्टा टी सिंड्रोम क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि 44 डिग्री फ़ारेनहाइट जाएगा, मैं भी आपको आने वाली वीडियो में अगले स्लाइड में समझाता हूँ। जैसे आप एएचयू का पीक लोड कंडीशन देख रहे हैं, पीक लोड कंडीशन जो होता है वो दिन में एक बार होता है, एक बार मतलब एक घंटे में होता है। वो क्या होता है, चिलर से 44 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, ये पूरा कूलिंग कॉइल में जाएगा और वहाँ से निकल कर एयर को ठंडा करके खुद 56 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गर्म होकर ये बाहर निकलेगा और चिलर प्लांट में जाएगा, जिससे चिलर प्लांट काफ़ी इकोनॉमिकल रहेगा और वो 100% एफिशिएंटली काम करेगा। बट ये 24 घंटे में ऐसा एक घंटा दो घंटा होता है, बाकी 20 से 22 घंटा आपको जो है चिलर हमारा पार्ट लोड पर चलता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अब वो इस केस में क्या होता है, 44 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तो पानी जाएगा कूलिंग कॉइल के अंदर, बट क्या होगा, रूम का टेम्परेचर अचीव हो चुका है, तो इस केस में क्या होगा, कुछ पानी बाईपास होगा। जैसे 44 डिग्री पानी जो कूलिंग कॉइल में जाएगा ही नहीं, वो थ्री वे वाल्व से बाईपास हो जाएगा, मतलब ये जो पानी एक्स्ट्रा जो हम 44 डिग्री गर्म ठंडा करके भेज रहे हैं, तो ये हमारा लॉस ऑफ एनर्जी है। अब जो कुछ पानी जो अंदर गया था एचयू में, वो गर्म होकर 56 डिग्री सेल्सियस पर निकलेगा और यहाँ पे ये 44 डिग्री से मिक्स करके ये 50 हो जाएगा। अब ये 50 डिग्री फ़ारेनहाइट जब चिलर के रिटर्न पे जाएगा, तो वो चिलर के लिए 56 डिग्री वहाँ पे चाहिए, बट ये 50 जा रहा है। इसका मतलब वहाँ पे चिलर हमारा ट्रिप भी होगा, कुछ देर चिलर सर्ज करेगा और लो डेल्टा टी पे वो ट्रिप हो जाएगा। तो इसको हम लो डेल्टा टी सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो चिलर के लिए भी काफ़ी जो नुकसानदेह है, इस केस में क्या होता है, कभी ऑयल लिफ्ट हो जाता है और ऐसे केस में हमारा चिलर जो है 3 से 4, 5, 10 घंटा जो है ये इस 50% लोड पे चलेगा, तो इस केस में उसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो
इसको लो डेल्टा टी सिंड्रोम बोलते हैं। इसलिए ये जो सिस्टम है ये हम ज़्यादा जो कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी सिस्टम होता है हम ज़्यादा बड़े सिस्टम में इसको हम नहीं यूज़ करते हैं, इसको छोटा सिस्टम लगाते हैं, जैसे 100 TR का हो गया, 150 TR का हो गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 TR, तो वहाँ पे हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या आता है कि उसकी इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है बहुत कम होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं सिर्फ चिलर लगाते हैं और प्राइमरी पंप होता है, हर एक चिलर के लिए एक पंप होता है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। उसी के हिसाब से आप देखेंगे तो उसको स्पेस भी कम चाहिए होता है, क्योंकि चिलर है और सिर्फ पंप है तो स्पेस भी चिलर प्लांट में कम चाहिए होता है। इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि सिर्फ 3-way valve होता है, 3-way valve को हम थर्मोस्टेट से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, और इसकी कमिस्टिंग भी बहुत ही आसान है। चिल वाटर पाइपिंग बहुत छोटी होती है, इसको आप फ्लशिंग करके इसको बहुत आसानी से टेस्ट भी कर सकते हैं और कमीशन कर सकते हैं। जो सबसे मेजर डिसएडवांटेजेस है जो कोई भी कंपनी नहीं चाहता है, जो कोई भी ऑपरेशन मेंटेनेंस की करने वाली कंपनी नहीं चाहती है, वो है कि इसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है, क्योंकि प्लांट हमारा 24 घंटे में 20 से 22 घंटा पार्ट लोड पर चलता है, तो इसकी जो हाई प्लांट एनर्जी कॉस्ट आती है, इसलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि हम अननेसेसरी कूलिंग कर रहे होते हैं, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही होती है इवन एट लो टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर भी होता है, लो लोड पे भी होता है, वो चीलर हमारा कंटिन्यूसली चलता रहता है और उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, जिससे इसका एनर्जी कॉस्ट बहुत आता है। इसलिए अब हम इस कांस्टेंट प्राइमरी चिल वाटर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्राइमरी चिल वाटर को एब्सोल्यूट करके हमने प्राइमरी और सेकेंडरी चिल वाटर सिस्टम को ज़्यादा जो है इसको यूज़ करते हैं, बड़े सिस्टम में भी, बड़े बिल्डिंग में भी, जहाँ पे 4000 TR का सिस्टम है वहाँ पे भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी को यूज़ करते हैं। तो बाकी हम प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसके बाद अगले सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो आने के लिए।